हेलो दोस्तों, आप सभी को सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 13 मार्च 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पर इसका आंसर है किशोर मकवाना, यानी किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर होगा ए, किशोर मकवाना। लव कुश कुमार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ए एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। और संजय कुमार जैन को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC के CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। लवकुश कुमार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1978 में किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? ये MTS 2020 के परीक्षा में पूछा गया था और इसका आंसर है 2004। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है धनराज टी, यानी धनराज टी को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, धनराज टी। और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अब देखिए, आशीष विजयकर SBM बैंक इंडिया के MD एंड CEO हैं। वीरेंद्र बंसल ये SBI कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं। और KBS मणियन ये कोडाक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निर्देशक यानी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। AS राजीव कुमार केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल ने NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD यानी प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी अनुराग अग्रवाल को सांसद सुरक्षा का नया प्रमुख बनाया गया है। और PAU पेटीएम्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेणु सूद कर्नाड को अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? और इसका आंसर है हरियाणा। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और इसका आंसर है नायाब सिंह सैनी। यानी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बने हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नायाब सिंह सैनी। अब देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और बिश्नोई देसाई ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं।
अब देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस्तीफा के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। 2024 में हरियाणा के राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला को चुना गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा पंजाब राज्य और संघ प्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग कर बनाया गया था। हरियाणा विधानसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है और इसका आंसर है 90। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। हरियाणा का राज्य पशु क्या है? काला हरिण। ये भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था रेलवे का। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। और हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है और इसका आंसर है यशस्वी जसवाल। यानी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का पुरस्कार यशस्वी जसवाल को मिला है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए यशस्वी जसवाल। अब देखिए पिछले 6 महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार समर जसप को मिला था जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 का पुरस्कार पेट कमिंस को मिला था ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 का पुरस्कार ट्रेविस हेड को मिला था ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का पुरस्कार सचिन रविंद्र को मिला था न्यूजीलैंड के। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2023 का पुरस्कार भारत के शुभमन गिल को मिला था। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का पुरस्कार पाकिस्तान के बाबर आजम को मिला था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है और इसका आंसर है एनाबेल सदरलैंड। यानी आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का पुरस्कार एनाबेल सदरलैंड को मिला है, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एनाबेल सदरलैंड। अब देखिए आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की लिस्ट, आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार एमी हंटर को मिला था, ये आयरलैंड के महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 का पुरस्कार दीप्ति शर्मा को मिला था जो कि भारत के महिला क्रिकेटर हैं। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 का पुरस्कार नाहिदा अख्तर बांग्लादेश के हैं, इन्हें मिला है। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 का पुरस्कार हेले मैथ्यूज को मिला है वेस्ट इंडीज के। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2023 का पुरस्कार चमरा अथापत्तू को मिला है जो कि श्रीलंका की हैं। आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का पुरस्कार आर्लिन केली को मिला है आयरलैंड की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है और इसका आंसर है बड़ोदरा। यानी बड़ोदरा नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है। बड़ोदरा नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन नगरपालिका बॉन्ड जारी करके 1 अरब रुपया जुटाए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बड़ोदरा नगर निगम। नेक्स्ट, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रिजिकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है और इसका आंसर है रिकेन यामामोटो, ये जापान के वास्तुकार हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी रिकेन यामामोटो। पिरजिकर पुरस्कार यह एक अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार प्रिज्जिकर परिवार द्वारा वित्त पोषित और हयात फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में $1,00,000 और एक कांस्य पदक दिया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा रिकेम यामामोटो। अब देखिए, डेविड चिपरफील्ड को 2023 का प्रिज्जिकर पुरस्कार दिया गया था, और फिलिप जॉनसन इंपॉर्टेंट है, 1979 में पहली बार प्रिज्जिकर पुरस्कार इन्हें मिला था, फिलिप जॉनसन को। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पशु तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है, और इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर ने पशु तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू सांबा काटुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जम्मू कश्मीर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसका आंसर है भारत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने निंगम नालामा योजना शुरू किया है, और इसका आंसर है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु राज्य सरकार ने निंगम नालामा योजना को शुरू किया है। निंगम नालामा का अर्थ होता है क्या आप ठीक हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एन के स्टेलिन। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का राज्यपाल आर एन रवि है। तमिलनाडु के लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है, 39 है, 39। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 234 है, और तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है, नीलगिरी तहर, और तमिलनाडु का राज्य पक्षी पन्ना आम पन्ना कबूतर है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी तमिलनाडु। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किए हैं, और इसका आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। यानी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन नई दिल्ली में किए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी अर्जुन राम मेघवाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका आंसर है गोटाबाया राजपक्षे। यानी द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक हैं गोटाबाया राजपक्षे। ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी गोटाबाया राजपक्षे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है, और इसका आंसर है 13 मार्च को। यानी धूम्रपान निषेध दिवस 2024 13 मार्च को मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे 2024 मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है, बच्चों को तंबाकू उद्योग से हस्तक्षेप से बचाना है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टेबाको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 13 मार्च। अब देखिए, मार्च में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया गया, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया,
3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। आइए 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है और इसका आंसर है क्रिस्टिना पिस्जोकोवा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टिना पिस्जोकोवा। देखिए 71वीं मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड ह्यूमेटेरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है और इसका आंसर है नीता अंबानी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है और इसका आंसर है एमा स्टोन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, एमा स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है और इसका आंसर है सिलियन मॉर्फी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलियन मॉर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है और इसका आंसर है क्रिस्टोफर नोलन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वीं संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है और इसका आंसर है सर्विसेस यानी सेना ने, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 8वें लोकायुक्त कौन बने हैं और इसका आंसर है सत्येंद्र कुमार सिंह, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों की पारंपरिक शिल्प माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है और इसका आंसर है असम, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है और इसका आंसर है स्वास्तिक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों में बीमोच नामक 27वां नया जिले का गठन किया गया है और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है और इसका आंसर है 10 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 मार्च।